गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ हीट ट्रांसफर. इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क, बट वी डिडंट गो इनटू दैट डिटेल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल. सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड एंड वी ड्रॉ द थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क एंड वी टॉक्ड अबाउट that the rate of heat transfer, if the heat transfer is steady, then the rate of heat transfer from this inside air to this wall will be equal to the rate of heat conducted through this wall and will be equal to the rate of heat conducted from this surface to this air. So हमने last time resistance network भी बना के देखा था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो रेजिस्टेंसेज होंगे, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस होने वाले हैं. सो इसको एक और बार जस्ट हम रिव्यू करते हैं. सो हमारे पास एक वॉल है, प्लेन वॉल है. ऑन दिस साइड इट हैज एयर एज वेल एज ऑन दिस साइड इट हैज एयर और सम फ्लूइड. और अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं और एटमोसफेयर की अगर बात हो रही है तो दोनों तरफ एयर ही होगी. So the wall temperature here is T1 this side, and at this side the temperature is T2. For this surface the temperature is T2. The inner surface inner temperature of the air is represented by Ti, and the outside temperature is denoted by To. O means outside, I means inside. So Ti is greater than the temperatures are like this. Ti is the highest. Ti is greater than T1, greater than T2, greater than To. To is the lowest temperature. So the heat transfer will be in this direction. इस direction में heat transfer होने वाली है. So अगर हम यहाँ पर देखें, air से heat transfer होगी पहले इस वाली surface पर convection के through, फिर उसके बाद यहाँ से conduction के through, और finally इस surface से जो बाहर air लेकर जाएगी heat, वो convection के through लेकर जाने वाली है. So हमारे पास तीन तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है, जिनमें से दो कन्वेक्शन है, एक कंडक्शन है. सो अगर हमारे पास कोई मीडियम है, किसी मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस मीडियम की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पा रहा है. अगर फ्लूइड की बात कर रहे हो, इस समय पर्टिकुलरली हम कन्वेक्शन बोल रहे हैं, तो कन्वेक्शन जो फ्लूइड है हमारा, वो कन्वेक्शन को कुछ रेजिस्टेंस दे रहा होगा, तो इसकी अपनी खुद की रेजिस्टेंस होगी, जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस होती है. ठीक है, उसी के लिए हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर जो एयर है ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये वॉल है ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, इसके बाद जो बाहर एयर है वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाली है. सो हमारे पास तीन तरीके की रेजिस्टेंस आने वाले हैं, एक यहाँ वाला, दूसरा कंडक्शन की वजह से, फिर तीसरा कन्वेक्शन. इनर यहाँ से कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस, कंडक्शन और फिर कन्वेक्शन. सो अब अगर हम एक्चुअली में ये जो थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क है, इसको कंपेयर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से. सो अगर आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में देखेंगे, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये सीरीज अरेंजमेंट की तरह आपको दिख रहा होगा. सो ये सीरीज अरेंजमेंट है, इसके बाद हम पैरेलल अरेंजमेंट की भी बात करेंगे. सीरीज अरेंजमेंट है, सीरीज अरेंजमेंट में देखते हैं जो थर्मल रेजिस्टेंसेज होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, उसको भी देखेंगे हम. उससे पहले हम ये वाला पार्ट जो हमने पहले भी देखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं. स्टडी स्टेट के लिए मैंने आप लोगों को बताया, जिस रेट से अंदर यहाँ से हीट जा रही होगी वही इसके बराबर होगी और वही जो बाहर निकल रही होगी. उसके लिए मैंने लिखा है क्यू इन इज इक्वल टू क्यू वॉल इज इक्वल टू क्यू आउट. अंदर से वॉल में और वॉल से बाहर जो जाएगी हीट वो सब बराबर होने वाली है. फिर इन हीट ट्रांसफर को हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ये कन्वेक्शन वाला है, फिर ये अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ एंड दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो हम इनको सिंपली लिख देंगे, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हीट ट्रांसफर के जो रिलेशन है यहाँ पे लिख देते हैं. फिर इसके बाद हम इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखना चाहते हैं. इन द सेंस हम हीट ट्रांसफर को क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर की फॉर्म में देखना चाहते हैं, और उसी फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखने की इसको कोशिश की है. उसी के लिए हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, टी आई माइनस टी वन डिवाइडेड बाई 1/H1A. सिमिलरली कंडक्शन वाले को भी हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख देंगे. फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आया, ये आर आई जो है वो है
हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैसा रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन, ये है कंडक्शन, आर डब्ल्यू मतलब वॉल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज फॉर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर, दिस आर ओ इज द रेजिस्टेंस टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर सरफेस। सो ये तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया है, हम बेसिकली ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको लिखना चाहते थे। इसके बाद हम एक, हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर केसेस छोड़ो, अगर हम एक हीट ट्रांसफर को कंसीडर करें, हीट ट्रांसफर कंसीडर करें, इनर वॉल, इनर जो यहां पर एयर है, यहां से लेकर बाहर यहां कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से लेकर बाहर ही तो हीट ट्रांसफर जा रहा है, बीच में तो ये बस जस्ट एक, अगर ये वॉल नहीं होती तभी भी यहां पे हीट ट्रांसफर होना था, बट यहां पर वॉल है तो हीट ट्रांसफर में कुछ और हिंड्रेंस पैदा हो रहा होगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इनर एयर से बाहर की एयर में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो इसके बीच में हमको तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, कन्वेक्शन का, दूसरा कंडक्शन का, और तीसरा फिर कन्वेक्शन का। सो ये तीनों मिलकर एक इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे होंगे। सो वो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, हम उसको देखने वाले हैं। बेसिकली हो यही रहा है कि यहां से बाहर हीट ट्रांसफर जा रही है और यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इस हीट ट्रांसफर में हमारे पास, इस हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए या इस हीट ट्रांसफर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, पहला कन्वेक्शन, दूसरा कंडक्शन और फिर तीसरा कन्वेक्शन। सो अगर हम देखना चाहें इन तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या आएगा, ये तीनों इक्विवेलेंटली कितना थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास सीरीज में अरेंजमेंट है, तो सीरीज में डायरेक्टली हम हमारे जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो उसको ही हम देख रहे हैं, इक्विवेलेंट और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। बट हमारे पास इस समय केस कौन सा है, सीरीज वाला है, तो हम सीरीज वाले के लिए ही ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की तरह यूज करने वाले हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सो आर टोटल विल बिकम टू इक्वल टू आर आई प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर ओ, और आर टोटल को अगर फिर हम रिलेशन की रूप में लिखना चाहे, रिलेशन के तौर पे लिखना चाहे, तो रिलेशन के टर्म्स में लिखना चाहे तो वन अपॉन एच आई इंटू ए प्लस एल बाई के ए प्लस वन बाई एच नॉट इंटू ए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर एरिया जरूर आएगा, रेजिस्टेंस में एरिया आता है, और आपकी जो फाइनल यूनिट आने वाली है रेजिस्टेंस की, वो केल्विन पर वाट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट के बराबर होगी। ओके, ये रेजिस्टेंसेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर ये इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है, तो इसमें आपको जितने भी रेजिस्टेंसेज उनको एड करना है इफ दे आर इन सीरीज। अगर पैरेलल का होगा उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद हमने जो हमारा हीट ट्रांसफर है उसको हम अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर को आप जो सॉरी हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा टी बाई आर टोटल, हमारी जो वॉल थी सॉरी यहाँ इनर एयर थी उससे आउटर एयर में डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया ये वाला, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर टोटल, और आर टोटल क्या है हमारे पास, ये रहा, लेकिन आर टोटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, बट हेयर डेल्टा टी क्या होने वाला है, डेल्टा टी आएगा टी आई माइनस टी ओ। जब आप, हमको ये देखना है, हमें ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस वो रखना है जहां पर हम टेम्परेचर डिफरेंस वो रखेंगे जिसके लिए हम थर्मल रेजिस्टेंस लिखेंगे। अगर आपको हीट ट्रांसफर लिखना है यहां से लेकर यहां तक के लिए, इन दोनों के बीच के लिए, तो आप थर्मल रेजिस्टेंस वाला लिखोगे। अगर आप ये टोटल टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हो कितना है, तो उसके लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप ये वाला रिलेशन यूज करके हीट ट्रांसफर को फाइंड करना चाहते हो। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर टोटल, एंड फॉर आर टोटल वी हैव टू टेक द एंटायर टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज फ्रॉम इनर सर्फेस, द डिफरेंस बिटवीन इनर एयर टू द आउटसाइड एयर। कभी कभी हमारे पास हम क्या चाहते हैं, अगर हम इसी लॉ को, इस ये जो हमने हीट ट्रांसफर लिखा है इसको हम अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन या कूलिंग से कंपेयर करके देखिए, उस फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अगर आप देखो यहाँ पर ये डेल्टा टी है और ये आर है, हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा था क्यू इज इक्वल टू एच ए एस डेल्टा टी, एच ए एस डेल्टा टी, तो हमने वहां पर क्या किया था, इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने डेल्टा टी बाई वन बाई एच ए कर दिया था, एच ए कर दिया था, और इस एच ए को हमने आर के बराबर लिखा था, इस एच ए को हमने आर के, वन बाई एच ए को हमने आर के बराबर लिखा था, और ये क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर के टर्म्स में आ गया था। सो इसको मैं
हमने इस फॉर्म में लिखा था और फिर ये क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर के बराबर आ गया था। सो हमारे पास यहां पर अगर आप देखो, ये देखो तो ये दोनों एक ही फॉर्म में है। अगर हम इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की फॉर्म में देखना चाहें, कभी कभी हमारे पास कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर हमें इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखे तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, ये क्यू बाई डेल्टा टी बाई आर है। अगर आप यहां पर देखो तो वॉल का जो एरिया है वो हर जगह कॉन्स्टेंट है, वॉल का जो एरिया वो कॉन्स्टेंट है, मतलब जो भी एरिया आपका हीट ट्रांसफर में आ रहा है, जो चाहे कन्वेक्शन में है चाहे कंडक्शन में है, सारे एरियाज कॉन्स्टेंट है। तो आप इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो अब अगर मैं इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कंपेयर करूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कंपेयर करूं, सो यहां पर इसको देखते हैं, हमने जो क्यू लिखा था वो हमने डेल्टा टी बाय 1 बाय एच ए के बराबर लिखा, और जो हमने यहां पर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट किया है वो हमने किया डेल्टा टी बाय 1 बाय डेल्टा टी बाय आर टोटल। ठीक है, तो अब अगर यहां से आप आर टोटल देखोगे तो वो किसके बराबर आने वाला है, 1 बाय एच ए के बराबर, 1 बाय एच ए के बराबर। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, हम कर क्या रहे हैं, हमने यहां पर जो कन्वेक्शन कंडक्शन और कन्वेक्शन इन तीनों को इक्विवेलेंटली हमने ये माना है कि टोटल जो हीट ट्रांसफर हो, मतलब जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है इन तीनों सरफेसेस या इस फ्लूड ये जो वॉल है और फिर ये दोबारा से फ्लूड के बीच में, फ्लूड और वॉल के बीच में हो रहा है, इन तीनों को हम मिला के अगर कन्वेक्शन की फॉर्म में देखना चाहे, कन्वेक्शन की फॉर्म में देखना चाहे इक्विवेलेंटली, तो उसके लिए हमें एक कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिफाइन करना पड़ेगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कन्वेक्शन से पूरा हीट ट्रांसफर जो हो रहा है इक्विवेलेंटली हम इसको मान रहे हैं कि ये कन्वेक्शन से हो रहा है। सो उसके लिए हमें एक इक्विवेलेंट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफाइन करना पड़ेगा और उसी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहां पर तो मैंने अभी इसको एच से डिनोट किया हुआ है, अभी मैं इस आर टोटल को, ये आर टोटल जो है वो आर टोटल जो है वो हमारे पास आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाई एच ए के बराबर आया। ठीक है, लेकिन अभी हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये एच जो होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है फॉर अ सॉलिड सरफेस एट अ फ्लूइड इन द इन कॉन्टेक्ट। बट हमने यहां पर क्या किया है, हमने क्या किया है, कन्वेक्शन कंडक्शन और कन्वेक्शन इन तीनों का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट था उसको हम कन्वेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। सो या फिर इसका इन तीनों का जो ओवरऑल इफेक्ट था हम इसको कन्वेक्शन की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफाइन करना पड़ा, उसको हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का नाम दिया। उसकी यूनिट एच की तरह ही होगी, एच जैसी ही होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहां पर हम अब एच के बजाय यू से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को यू से डिनोट किया जाता है, हम यहां पर इसको यू से डिनोट करने वाले हैं। सो आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाई एच ए की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1 बाई यू इंटू ए। सो अगर आप यहां पर देखें, मैंने यहां पर ये लिख के दिखाया है कि इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी बाई आर, और अगर आप आर टोटल की बात कर रहे हो तो आप 1 बाई एच ए लिखते हो और एच की जगह हम यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यू से रिप्लेस करने वाले हैं। सो अगर आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हो, हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हो, तो ये हीट ट्रांसफर आप किसके बराबर आप लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। और ये आपने R इक्विवेलेंट जो लिखा था वो किसके बराबर लिखा आपने, 1 बाई यू इंटू ए के बराबर लिखा, 1 बाई यू इंटू ए के बराबर लिखा, वेयर यू इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और जो आपने R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया था वो किसके बराबर किया था, 1 बाई एच वन इंटू ए प्लस एल बाई के ए प्लस 1 बाई एच ओ इंटू ए। सो क्वेश्चंस में कभी कभी हमको इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली होता है, हमको एक्चुअली कभी कभी जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है उनमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया गया होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को फिर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज करके हीट ट्रांसफर रेट फाइंड कर सकते हैं, हमें फिर यहाँ के लिए अलग प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है, हमें सरफेस एरिया पता है और टेम्परेचर डिफरेंस पता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो हम सीधा हीट ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने इस पूरी प्रॉब्लम को, ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम था, इसको हमने
एज्यूम कर लिया कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से बाहर तक वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, और फिर हमने जो जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस थे उन सबको एज अ कन्वेक्टिव हीट कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एज्यूम किया, और उस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया, आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय u इंटू ए के, 1 बाय u इंटू ए के, वही मैंने यहाँ पे लिखा है आर इक्विवेलेंट और आर टोटल 1 बाय u इंटू ए, ये हमारे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी पीछे देखी थी वो किसके बराबर आई थी, 1 बाय h i इंटू ए प्लस l बाय k a प्लस 1 बाय h0 इंटू ए। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आता है, और हमारे पास फिर आगे हम ये केस सिलेंडर के लिए भी पढ़ेंगे, वहां पर एरियाज कुछ चेंज होते हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग से डिफाइन किया जाता है, तो हम वो वाला पार्ट वहां पर देखेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अभी मैंने आप लोगों को सीरीज वाला केस बताया था, पैरेलल में कुछ नहीं करना एक्चुअल में। अगर हमारे पास कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पर जो वॉल होती है, हमारी वॉल होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, डिफरेंट मटेरियल से, लेकिन आधी वॉल किसी और मटेरियल से बनी होगी, कुछ कुछ पार्ट वॉल का किसी और मटेरियल से बना होगा, कुछ पार्ट किसी और मटेरियल से बना होगा, ठीक है। जब हम हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो पूरी सर्फेसेज है ये सेम टेम्परेचर में मेंटेन होंगी, ओके, ये अजम्पशन है। सो अब अगर आप देखो ये वाली जो वॉल है ऊपर वाली और ये वाली जो वॉल है, ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आने वाला है कंडक्शन वाला वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, दोनों पैरेलल में है। सो अगर आप आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उसके लिए आपके पास क्या है, ये दोनों तो ये इसके साथ सीरीज में है और ये इन दोनों के साथ सीरीज में है, तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों को सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं आर, हमारे पास जो आर आने वाला है आर टोटल वो क्या क्या होगा, आर आई प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट प्लस आर थ्री। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें पैरेलल में पता है कि पैरेलल में हम क्या करते हैं, 1 बाय आर से इक्विवेलेंट फाइंड किया जाता है, तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2। आर क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये। अब इसके बाद आपने जब भी फाइंड कर लिया आर, यहां से आप फाइंड कर लोगे r1 डॉट r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 आएगा ही, फिर आर टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर आई प्लस आर प्लस आर थ्री, ठीक है। लेकिन ये जो आपका आर वन होगा वो किसके बराबर होगा, आर वन जो है आपका यहां पर वो किसके बराबर होगा, एरिया इसका दिया हुआ है हमारा, हमको एल डिवाइडेड बाई के वन इंटू ए वन, ठीक है। आर टू इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई के टू इंटू ए टू, दोनों का थिकनेस तो सेम है बट थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया में चेंज है, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास यहां पर जो है आर टोटल इस पर्टिकुलर केस के लिए आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और आर टोटल इसको हम बोल सकते हैं। फाइनली इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आज इस लेक्चर का हमारा इस सेशन का लास्ट टॉपिक है कंपोजिट वॉल्स। कंपोजिट वॉल का मतलब ये है मटेरियल जो है आधा मटेरियल, मतलब जो वॉल है वो टोटली अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, वॉल का आधा पार्ट किसी और मटेरियल से बना है, बाकी पार्ट किसी और मटेरियल से बना हुआ है। ये वाली वॉल को भी हम एज ए कंपोजिट वॉल ट्रीट कर सकते हैं, बट इसमें जो अरेंजमेंट है ये पैरेलल में है, ओके। सो इसमें कुछ नहीं होना है, सिंपली ये भी उसी केस की तरह है, इस वाले केस की तरह है ये वाला केस, बट इसमें वॉल का एक और पार्ट ऐड हो गया है, और ये वाला जो पार्ट ऐड हुआ है ये अपनी थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ से टेम्परेचर का ऑर्डर दिख रहा होगा, टी आई सबसे बड़ा है, टी ओ सबसे छोटा है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर है टी वन टी टू टी थ्री, ओके। दिस वॉल हैज दिस पार्ट ऑफ द वॉल हैज थर्मल कंडक्टिविटी के वन एंड दिस पार्ट हैज थर्मल कंडक्टिविटी के टू, एल वन इज द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट, एल टू इज द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट। सो द एयर विल प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस टू कन्वेक्शन एयर एंड दिस सर्फेस, ओके। दिस मटीरियल ऑफ दिस वॉल विल रेजिस्ट द हीट ट्रांसफर और ऑफर सम रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर एज वेल एज दिस पार्ट एंड अगेन दिस वॉल एंड दिस सर्फेस ऑफ दिस वॉल एंड द एयर प्रेजेंट हेयर और द फ्लूड प्रेजेंट हेयर।
सो देर आर टोटल फोर रेजिस्टेंसेज। अगर हमारे पास वो इस वॉल को थोड़ा और अगर उसको क्वेश्चन को और बड़ा करना होगा तो यहाँ पर एक और वॉल लगा, एक और मटेरियल लगा देगा और इसी तरीके से हम हमारी थर्मल रेजिस्टेंसेज ऐड होती जाएंगी। पर आप ध्यान रखेंगे ये दोनों कंडक्शन की रेजिस्टेंसेज है और आर आई और आर ओ क्या है, ये कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस है, ये कन्वेक्शन की रेजिस्टेंसेज है। सो आप अब इन तीनों को, ये जो चारों थर्मल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप इनको ऐड कर देंगे। आर टोटल इज इक्वल टू आर आई प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर ओ। ओके, अब अगर हमारा हीट ट्रांसफर रेट जो है वो स्टडी है, ये दिख रहा है, दिखाया जा रहा है यहाँ पर, हीट ट्रांसफर रेट जो है वो स्टडी है, स्टडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जितना हीट ट्रांसफर यहाँ से हो रहा है उतना यहाँ से हो रहा है, उतना यहाँ से हो रहा है और उतना यहाँ से हो रहा है। स्टडी का मतलब ही यही है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही वो आगे पास कर दे रहा है, सिंपल एज सिंपल। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, एच आई इंटू ए टी आई माइनस टी वन, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस और एच आई इंटू ए। फिर यहाँ पे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसके लिए हम लिख देंगे के आई के वन इंटू ए टी आई टी वन माइनस टी टू। हमने माइनस के साइन को यहाँ से कंपनसेट कर दिया, टी आई बड़ा हो गया तो यह अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से के टू इंटू ए टी टू माइनस टी थ्री बाई एल टू, और फाइनली फॉर कन्वेक्शन वी कैन राइट एच नॉट इंटू ए टी थ्री माइनस टी ओ, वेर टी थ्री इज द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस एंड ओ इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूड। सो इफ यू वॉन्ट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइक क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर आर टोटल, यू कैन राइट इट लाइक दिस, वेर दिस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी आई माइनस टी ओ। आप यहाँ से यहाँ क्या रेट, किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर आप उसको फाइंड करना चाह रहे हो और आपके पास ये पैरामीटर्स गिवन है और रेजिस्टेंसेज यहाँ की गिवन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके ऊपर बेस्ड हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उन क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर नाउ आप लोगों को ये पता होना चाहिए आर टोटल इस तरीके से निकाला जाता है और फॉर स्टडी हीट ट्रांसफर, ये दोनों चीज़ें आपको पता हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। स्टडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जब है तो सारे हीट ट्रांसफर हर सरफेस में हर एक जगह होने वाला हीट ट्रांसफर वो बराबर होंगे। इसका फायदा ये है कि क्वेश्चन में अगर हमको, हमने टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड कर लिया, अब हमें किसी फॉर अ गिवन सरफेस टेम्परेचर इज नॉट गिवन, फॉर एग्जांपल टी टू हमको गिवन नहीं है, टी वन हमको पता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज पता है, तो हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम फिर हीट ट्रांसफर को इसके बराबर लिख के टी टू को फाइंड कर लेंगे। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के। सो आज के लेक्चर में यहीं पर खत्म करता हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।